अभी हर घर तिरंगा मुहिम चल रहा है और हमारे बिहार के एक राष्ट्रवादी सच्चा देशभक्त खान सर हैं, जो सिर्फ और सिर्फ बिहार की बात नहीं करते हैं, पूरे देश की बात करते हैं और दुनिया में मतलब कि भारत का नाम रोशन हो इसका हमेशा प्रयास करते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल चलाते हैं। उन्हें खादी का तिरंगा, पॉलिएस्टर नायलन का नहीं, खादी का तिरंगा उन लोग दे रहे हैं। और सर एक भगवत गीता, चूंकि आप बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं तो गीता की जानकारी भी होनी चाहिए, कई बार हमने एग्जांपल भी दिया है। हाँ। गीता है, चूंकि कुरान के बारे में भी आप जानते हैं, गीता के बारे में भी जानते हैं और एक ब्रांड बिहार हम लोग मुहिम चला रहे हैं, तो ब्रांड बिहार मुहिम है हम लोगों का, उसके लिए हम लोग एक टी शर्ट देते हैं। वो मुंबई में भी गए थे तो हम लोग बहुत सारे अधिकारियों को दिए थे और पटना में भी देते हैं, तो ये टी शर्ट है। धन्यवाद। देखिए इसमें टीचर भी हैं, आईएएस आईपीएस पेंटर फार्मर कारपेंटर वेल्डिंग करने वाले सभी लोग हैं इसमें और इसी से हमारा बिहार बनता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। आपकी पूरी संस्थक टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। और आपके इस उपहार के लिए हम बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ। घर घर तिरंगा, सब लोगों को अपने घर पे तिरंगा लगाना चाहिए और ये देश के प्रति सबको एक बार सोचना चाहिए कि उसे क्या ऐसा करे कि देश को उसके ऊपर गर्व हो। तो हर इंसान को जहाँ हो, छोटा बड़ा जैसे भी हो, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा कि खिलाड़ी जो है जीतने के बाद जो है ऐसे तिरंगा रखते हैं, अक्सर आपने देखा होगा जब वर्ल्ड कप जीतते हैं या कोई मेडल वेडल जीतते हैं तो ऐसे तिरंगा रखते हैं। अभी आपके कंधे पे ऐसा तिरंगा है, तिरंगे का भार आप कैसे संभाल पाएंगे? तिरंगे का मतलब इस कंधों पे इस देश की जिम्मेदारी रखना ही बहुत बड़ी बात होती है। देश इतना बड़ा है, इस देश को संभालने की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति पे कभी नहीं हो सकती है। इसके 140 करोड़ लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी है। जिस दिन ये सारे लोग समझ जाएंगे ना कि देश उनका है, उस दिन ये देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे घर में कोई थोड़ा सा करप्शन करके चला जाए, बिजली मिस्त्री पाइप मिस्त्री तुरंत बोलते हैं, लेकिन मोहल्ले में करके चला जाए तो ऐसा लगता है कि सड़क तो देश का है। जिस दिन लगने लगे मेरा है, उस दिन तो हम लोग बढ़िया से व्यवस्था कर देंगे। यहाँ पर तो ये हमारा है, इसका कण कण हमारा है, तो सबको ये चीज सोचना चाहिए। और आगामी हमारे स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाइयां सारे लोगों को, स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और हमें और आगे देश को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जिस पोजीशन पे अभी हम लोग हैं इसके लिए तो बलिदान जो दिया गया था वो बलिदान अभी पूर्णता नहीं हुआ। मतलब उनका जो सपना था कि हमारा देश ऐसा होता, उस मुकाम पर अभी भी हम लोग 75 साल हो गए, अभी भी नहीं पहुंचे। इससे हमें कहीं और आगे होना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं कमी रह गई है, तो उस पे कमियों को हम लोग कोशिश करेंगे और अच्छा से उसको सुधार करें और आने वाले सालों में हम देश को और आगे ले जा सकें। बस खान सर के साथ आखिरी में मैं एक ही शब्द कहूंगा, जय हिंद। जय हिंद।